श्रीनगर में सचिवालय गुरुवार को बंद कर दिया गया। श्रीनगर में सचिवालय बंद होते ही दरबार मूव के तहत सभी दस्तावेजों को जम्मू में कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाने की तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। जम्मू में सरकार के कामकाज की शुरुआत 6 नवंबर से की जाएगी। एक्चुअली आज यहाँ पे पैकिंग हो रही है, ट्रकें लोड हो रही है, गाड़ियाँ लोड हो रही है, क्योंकि जो एनुअल बायनुअल दरबार मूव होता है, आपको पता है कि सिंस डिकेड्स ये 6-6 महीनों के बाद कभी जम्मू जाता है और वहाँ से इन द मंथ ऑफ मे यहाँ से फिर से शुरू हो जाता है, इसलिए आज यहाँ पे लोडिंग चल रही है। 6 नवंबर को जब दरबार मूव के कार्यालय जम्मू में खुलेंगे तो नागरिक सचिवालय में प्रवेश करने वाले वाहन को एक नई तकनीक का सामना करना होगा। कड़ी सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन ने नागरिक सचिवालय के प्रवेश द्वार पर इलेक्ट्रॉनिक बैरियर लगाए हैं। सीपीआईएम नेता और कुलगाम के विधायक एम्बाई तारिगामी ने केंद्र की ओर से कश्मीर मसले पर राज्य के स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि घाटी के लोग पहले से ही कश्मीर मसले के हल के लिए बातचीत करने का आग्रह करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उसे हमेशा नजरअंदाज ही किया गया है। कि ये मसला जो है, ये दर्द जो है कश्मीरी आवाम की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, ये इस दर्द को आप बातचीत से ही इसका इलाज किया जा सकता है। बारूद इसकी दवाई नहीं, पैलेट इसकी दवाई नहीं। ऑस्पिशियस डांस एकेडमी द्वारा आयोजित बैटल ऑफ स्टार्स सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले आज गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गांधीनगर में किया गया, जिसमें फाइनल प्रतिभागियों ने अपने हुनर के जलवे बिखेरे। सर मैं डेफिनेटली, देखो आज मैंने बाहर के जजेस यहाँ से बुला लिए, पहले बच्चे यहाँ से जाते थे, आज जजेस बाहर हैं और आशा करता हूँ कि जो सीजन 3 होगा उसमें जो हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर से जम्मू में। जिला चुनाव कार्यालय उधमपुर द्वारा आज एक जागरूकता रैली आयोजित की गई। इस रैली में जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया और लोगों को अपने मतों का सही इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया। इसके साथ ही छात्रों ने 18 वर्ष की आयु के युवाओं को अपना वोटर कार्ड बनाने की भी अपील की। और आप लोग जो पब्लिक जो है वहाँ पे जाके अपने आप को एनरोल कराएगी। कौन पब्लिक? जो बच्चे 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, 1/1/2018 तक इसकी क्वालिफाइंग डेट है, उस तक जो भी बच्चे 18 साल के होंगे वो अपने आप को रजिस्टर कराएं। राज्य के विभिन्न विभागों के अस्थायी कर्मचारियों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर राज्य में ट्रेड यूनियन का 5वां सम्मेलन होने जा रहा है। कुलगाम के विधायक एम्बाई तारिगामी ने कहा है कि सरकार की कार्यप्रणाली से सभी विभागों के कर्मचारी त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन जब कर्मचारी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो उन पर बल प्रयोग किया जाता है। कि जो मजदूर पर, वर्किंग क्लास पर जो हमले हो रहे हैं मरकजी और रियासती सरकार की तरफ से, जो उनको वेजेस का सवाल है उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है। सांबा में आज गौ तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। लोगों ने पशुओं से भरे एक ट्रक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों की मांग है कि इस काम के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। ये चेकिंग कहाँ पे हो रही है? क्या इनका कोई डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है? कोई इनको देख रहा है? ये जो गौ हत्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ रहा है काम, इसके कब लगाम लगाई जाएगी और कौन लगाम लगाएगा? अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस ये लगाम नहीं लगा सकते तो कौन लगाम लगाएगा? कितनी बार हमें इनके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। नरवाल में आज रोहिंग्याओं की झोपड़ियों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से झोपड़ियों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पापा कहते हैं सेविंग कर, टीवी पे एक्सपर्ट्स कहते हैं रिटर्न्स आर कंटेंपोरेनियसली पॉजिटिवली, पर्सनल एडवाइजर कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, कभी ये कर कभी वो कर, शेर खान कर, शेर खान पर क्यों और कैसे इन्वेस्ट करते हैं समझ, फिर नाप तोड़ कर और वहीं पर ट्रांजैक्ट कर, अपना फाइनेंस अपने काबू में कर, शेर खान कर। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्ट। जीकी अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए लॉग ऑन करें jkupdate.com पर, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें जेके अपडेट मोबाइल ऐप, सब्सक्राइब करें जेके अपडेट यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें।